दोस्तों नमस्कार, मैं उदय पाठक आपके बीच फिर आज उपस्थित हुआ हूं। और दोस्तों सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगू, कुछ दिनों से मैं काफी व्यस्त था और वीडियो कंटिन्यू नहीं दे सका, तो आज इस कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आपके बीच फिर से उपस्थित हूं। दोस्तों पुरानी कड़ी को कंटिन्यू करते हुए आज हम लोग एक ऐसे विषय के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं जो हम सारे आर्टिस्टों की जरूरत पड़ती है। आप जब पैच बनाते हैं, पैच बनाने के बाद आप जो साउंड यूज करते हैं उसमें आपको इफेक्ट असाइन करना पड़ता है। इफेक्ट में रिवर्ब, कोरस, डीले, फ्लेंजर, आप ये सब यूज करते हैं। तो दोस्तों आज इसी में से एक विषय लेकर के आपके बीच में बैठा हूं जिसका नाम है डीले। तो दोस्तों आज मैं डीले इफेक्ट यूज करके एक ऐसा पैच बनाने वाला हूं जो मल्टीपर्पज पैच है, जिसका नाम मैंने रखा है डीले डिस्को। दोस्तों डीले डिस्को में बजाने का स्टाइल भी सेम है, ये अल्टरनेट स्टाइल बजाया हुआ है और इसमें कुछ साउंड ऐसे हैं जो डीले के बेस पे बज रहा है। दोस्तों इस किट का नाम डीले डिस्को इसलिए रखा गया है क्योंकि इस पैच में, इस किट में जिस स्टाइल से प्ले किया जा रहा है आपका सब अल्टरनेट सिंगल स्टॉप प्ले हो रहा है। तो सिंगल स्टॉप प्ले करने के लिए आपको कहीं भी ऑप्शन नहीं बचता है कि आप डबल स्ट्रोक कर सकें। दूसरी बात, यदि आप डबल स्ट्रोक करते हैं तो डबल स्ट्रोक कॉन्गो के साथ आपका हाईहेट भी डबल स्ट्रोक साउंड आएगा, ऐसा साउंड आ रहा है। तो हाईहेट को सिंगल स्ट्रोक और कॉन्गो को डबल स्ट्रोक बनाने के लिए इसमें डीले का यूज किया गया है, आप देख सकते हैं। इसमें बी साइड में ओपन हाईहैट लगा हुआ है और ए साइड में कॉन्गो लगा हुआ है। तो अभी एक बार स्ट्रोक करने पे ये दो बार साउंड बज रहा है। जब दो बार साउंड बजेगा तो आप इसको प्रॉपरली डिले इफेक्ट यूज कर पाएंगे। ये तो बाहर की हो गई, ये बाहर की सेटिंग मैं इसलिए बता रहा हूं कि क्यों जरूरत पड़ी डिले डिस्को की, क्योंकि यहां आप जिस स्टाइल में प्ले कर रहे हैं यदि आप सिंगल स्ट्रोक, यदि आप यहां पे डिले यूज नहीं करेंगे तो वो फ्लेवर नहीं आएगा। देखिए अगर इसी प्लेइंग स्टाइल में अगर केवल डीले ऐड कर दिया जाए तो दोस्तों आपका कॉन्गो ऑटोमेटिक डबल स्ट्रोक बजेगा। ये देखिए, और वैसे भी ये किट मल्टीपर्पस है दोस्तों, ये कंपनी का किट बना हुआ है, ये किट मल्टीपर्पस है, आप इसको कई तरीके से यूज कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि ओपन हाईहेट की जगह पे सिंबल्स भी आ रहे हैं। दोस्तों इसमें आप जो ओपन हाईहेट का साउंड सुन रहे हैं, ओपन हाईहेट का साउंड आप जो सुन रहे हैं, इसके ठीक नीचे बी साइड में सिंबल्स भी लगाया हुआ है। यदि इस पैड को आप हेवी स्ट्रोक करेंगे तो सिंबल्स के भी साउंड आएंगे, और सॉफ्ट स्ट्रोक करेंगे तो केवल ओपन हाईहेट बजेगा। यदि आपको सिंबल यूज करना तो हेवी स्ट्रोक। दोस्तों साउंड के बारे में तो आपको मालूम ही, साउंड कैसे कैसे साइन करना है। मैंने यहां पे क्लोज हाईहेट लगाया, यहां पे किक और हाईहेट मिक्स लगाया, यहां पे ओपन हाईहेट लगाया, यहां पे स्नेयर मिक्स लगाया हूं, यहां पे कॉन्गो और ओपन हाईहेट दोनों मिक्स किया हुआ है, यहाँ पे मैंने टॉम्स बनाया, यहाँ पे स्नेयर बनाया, यहाँ पे थुम्बा बनाया, और ये थुम्बा के अंदर, थुम्बा के बी साइड में मैंने हाईहेट लगाया है। तो ये कंटिन्यूटी बरकरार रहती है, आप जब इसको अल्टरनेट हैंड से प्ले करेंगे तो आपकी कंटिन्यूटी बरकरार रहेगी, कंटिन्यूटी आपका नहीं टूटेगा। ये देखिए, तो ये तो आपको बराबर मालूम है, ये प्रॉपर आपको मालूम है कैसे ये किट यूज करना है। अब ये किट बनाने के बाद इसमें इफेक्ट कैसे असाइन करना है, आज हम लोग इस पे चर्चा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैंने सिर्फ ये वाले पैड में, सिर्फ ये पैड में मैंने इफेक्ट का लेवल 100 रखा है, बाकी पूरे पैड में मैंने 0 रखा है, सब 0 है, ये 0, ये 0, ये 0,
आप देख सकते हैं सारे पैड मैंने जीरो रखा है, केवल यहाँ पे मैं डिले इफेक्ट यूज कर रहा हूँ, इसलिए इफेक्ट लेवल मैंने यहाँ पे 100 रखा है। अब ये सब सेटिंग करने के बाद आपको एफएक्स में जाना है। एफएक्स में जाने के लिए मेन्यू बटन दबा करके नो को टर्न करते हुए एफएक्स में ही आना है। एफएक्स में जब आएंगे इंटर करेंगे तो आपको मिलेगा स्टीरियो डिले। दोस्तों स्टीरियो डिले के अंदर भी एडिट पैरामीटर है, ये देखिए यहाँ पे बहुत सारे पैरामीटर, लेफ्ट बीपीएम सिंक, लेफ्ट टाइम, राइट बीपीएम सिंक, राइट टाइम। तो सबसे पहले सिंक को ऑन करना है। दोस्तों ये सिंक ऑन करना इसलिए जरूरी है कि आप चाहें तो इसका टेम्पो कंट्रोल बाहर से ही कर सकते हैं, आपको इफेक्ट के अंदर आने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपके सामने अभी हम लोग सबसे पहले एग्जाम्पल देखते हैं बीपीएम सिंक। बीपीएम सिंक क्या है? यदि आप बीपीएम सिंक ऑन करके रखेंगे तो देखिए आपको यहाँ पे टेम्पो दिख रहा है। दोस्तों अभी आपका ये जो डीए है 130 बीपीएम में बज रहा है। आप यदि चाहें तो इसका टेम्पो यहाँ बाहर से ही कम कर सकते हैं नोब 3 को टर्न करके। ये देखिए तो दोस्तों अगर आपको इजी यूज करना है, यदि आप चाहते हैं कि टेम्पो कंट्रोल बाहर से ही हो जाए तो आपको अंदर जाकर के टेम्पो सिंक करना बहुत जरूरी है। यहां मैंने टेम्पो सिंक ऑन रखा है। टेम्पो सिंक ऑन करने के बाद अब आप ये जो साउंड में डिले यूज कर रहे हैं वो डिले आपको कैसा चाहिए? आपको डिले सिंगल स्ट्रोक चाहिए, डबल स्ट्रोक चाहिए, ट्रिपल स्ट्रोक चाहिए, दोनों आएगा। अभी आप यहां पर डबल फ्लैग अगर लगा के रखेंगे, अगर यहां देखिए अगर डबल फ्लैग अगर आप लगा के रखेंगे तो एक आपका मेन साउंड जो आप स्ट्रोक करके प्ले कर रहे हैं, दूसरा आपका इफेक्टिव साउंड जो इफेक्ट के थ्रू प्ले होकर के आ रहा है, ये ही दोनों साउंड आएगा। और सेम ऐसा ही राइट में भी है। जैसे आपका ऑक्टोपैड फुल्ली स्टीरियो पैड है तो आपको लेफ्ट और राइट दोनों सिंक करना है। यदि आप डिफरेंट चाहते हैं कि आपका लेफ्ट क्रोचेट में बजे और राइट आपका ट्रिपलेट में बजे तो आप वो भी कर सकते हैं, लेकिन चूंकि यहां मैं सिमिलर यूज कर रहा हूं तो मैंने डबल फ्लैग यूज किया। उसके बाद फेज लेफ्ट, फेज राइट, ये सब आपको नॉर्मल रखना है। उसका फीडबैक मोड, फीडबैक मोड भी आपको नॉर्मल रखना है। अब फीडबैक जीरो रखना इसलिए जरूरी है, अगर आप जीरो नहीं रखेंगे तो मल्टीपल स्ट्रोक हो जाएगा वो। ये देखिए यदि आप इसको माइनस में ले जाते हैं तो वहां भी मल्टीपल स्ट्रोक हो जाएगा। इस तरह यदि आप सिंगल स्ट्रोक चाहते हैं, आपको केवल एक हिट करने के बाद दूसरा ऑटोमेटिक इफेक्ट के थ्रू यदि बजाना है तो आपको फीडबैक जीरो रखना पड़ेगा। अगर आप जीरो रखेंगे तो एक आपके प्ले करने से साउंड प्रोड्यूस होगा और दूसरा इफेक्ट के थ्रू होगा। एचएफ डैम्प आपको बाईपास रखना है। वेट लो गेन और वेट हाई गेन, दोस्तों ये आपको अपनी सुविधा के अनुसार रखना है। अपनी सुविधा कहने का मतलब यदि आपको ऐसा लगता है कि हमारा कॉन्गो में लो फ्रीक्वेंसी बढ़ाना है आप यहां से लो गेन बढ़ा सकते हैं, यदि आपको हाई गेन बढ़ाना वो भी बढ़ा सकते हैं। ये देखिए अभी मैं लो गेन बढ़ा रहा हूं। यदि आप हाई गेन बढ़ाएंगे साउंड की क्वालिटी डिफरेंस हो जाएगी। अब इसके बाद ये फाइनल लेवल है, आपको लेवल कितना रखना है, तो लेवल तो कॉमन दोस्तों आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर यहां से आप लेवल जीरो कर देंगे तो केवल आप जो प्रोड्यूस
यदि आपने लेवल यहां से जीरो कर दिया तो केवल वही साउंड प्रोड्यूस होगा जो आप हिट कर रहे हैं। यदि आपको ये सब पैरामीटर आपने जो सेट किया है, ये सेट किए हुए पैरामीटर के हिसाब से यदि आपको इफेक्ट चाहिए तो आपको लेवल यहां मैक्सिमम रखना पड़ेगा। दोस्तों ये तो हो गई नॉर्मल सेटिंग। अब कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो बजा रहे हैं वो आपको ट्रिपलेट में चाहिए, आपका जो लास्ट एक्सेंट नोट है, आप जो मेन हिट करने के बाद सेकेंड साउंड जो प्रोड्यूस हो रहा है यदि आपको ट्रिपलेट नोट में चाहिए तो दोस्तों आप वो भी कर सकते हैं। दोस्तों इस तरह से आप डीले किट यूज करने के बाद अब आपके पास पैड्स की संख्या कम पड़ती है, आपके जो टॉम्स पैड बचे हुए हैं इसकी संख्या कम पड़ रही है, लेकिन आपको इस किट में सिंबल्स की जरूरत पड़ती है तो सिंबल आप आराम से असाइन कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपके पास दो बैंक खाली पड़े हैं, दोनों बैंक के बीसाइड खाली पड़े हैं, एक यहां खाली पड़ा है एक यहां खाली पड़ा है, आप चाहें तो यहां पे सिंबल असाइन कर सकते हैं। ये भी सिंबल असाइन करने का आप टेक्निक देख लीजिए, इसमें कुछ नहीं करना है, आपको बी साइड में सिंबल लगाना है। ये देखिए मैंने यहां पे सिंबल 004 ये मैंने असाइन किया। असाइन करने के बाद आपको सिर्फ दो सेटिंग चेंज करनी है, एक तो इंस्ट्रूमेंट लेयर टाइप चेंज करना है, यहां पे आपको मिक्स के बदले स्विच यूज करना है, और दूसरा उसका लेयर पॉइंट चेंज करना है। ये आप अपने डायनेमिक्स प्लेबिलिटी के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। लेयर पॉइंट मैंने यहां पे 116 रखा है, आप भी रख सकते हैं यदि चाहें तो, इससे ज्यादा भी रख सकते हैं। यदि आप इससे ज्यादा रखेंगे तो थोड़ा हेवी स्ट्रोक करना पड़ेगा, ये जितना कम रखेंगे उतना सॉफ्ट स्ट्रोक करना पड़ेगा। लेकिन हाँ यदि आप कम रखेंगे तो उसमें एक रिस्क रहती है कि कभी प्ले करने के दौरान अगर ऐसा हो गया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सिंबल भी बजने शुरू हो जाएंगे। तो ये आप खुद से चेक कर लीजिए कि आप जो प्ले करते हैं तो आपका प्रेशर कितना, आपका स्टिक का प्रेशर लेवल क्या है, उस प्रेशर लेवल के हिसाब से आप लेयर पॉइंट यहाँ पे यूज कर सकते हैं। दोस्तों बस यही करना है, इस तरह आपका डीले डिस्को किट रेडी हो जाता है। अब यदि आपको इस किट के बारे में ज्यादा जानकारी, डीप जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं, मैं अगली बार इसका वीडियो बनाऊंगा तो डिटेल बताऊंगा कि ये किट कैसा, हालांकि मुझे मालूम है कि आप लोग ये किट आसानी से बना सकते हैं। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा, तो आपसे एक आग्रह है कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस, प्लीज सब्सक्राइब स्वरित स्टूडियो।